नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए, भारत की स्मार्टफोन मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है भारत के लिए। और ये जितनी भारत के लिए खुशी की खबर है, ये उतनी ही चीन और पाकिस्तान के लिए दुख भरी खबर है। स्पेशली ये दुख भरी खबर है चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए तो उतनी दुख भरी खबर नहीं है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये पूरी खबर है क्या और ये हमारे लिए खुशी की बात क्यों है और चीन और पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों के लिए दुख की बात क्यों है। दरअसल दोस्तों, अभी एक आर्टिकल आया है, उससे ये पता लगा है कि भारत की जो स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट हुआ है पूरे दुनिया में, वो दोस्तों 42% की हाइक है उसमें। वो जो भी ग्रोथ आ रही है उसमें 42% की हाइक है। मतलब सोचिए, इतनी ज़्यादा बढ़कर हमारी एक्सपोर्ट हुई है स्मार्टफोन की। दोस्तों ये बिल्कुल अब वैसा समझ लिया कि अगर हम पिछले 3-4 साल पहले चले जाएं तो स्मार्टफोन के मामले में हम बिल्कुल जीरो थे। जो भारत की कंपनियां थीं, कोई कुछ बनाता नहीं था क्योंकि ये सारी चीज़ें चाइना में बनती थी। हम चाइना से ख़रीदते थे सामान, फिर असेंबल करते थे यहाँ पे। अब दोस्तों क्या है कि हम असेंबली तो करते ही करते हैं स्मार्टफोन की इंडिया में, लेकिन अब हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं बहुत से स्मार्टफोन का। तो दोस्तों ये जो भी बिज़नेस है, ये चाइना से ही चलकर इंडिया में आया है। अब दोस्तों इससे आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि 3 सालों के अंदर इतना बदलाव आ गया है कि भारत में ये जो हमने एक्सपोर्ट किया है स्मार्टफोन का, ये करीब $15 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ये सोच लीजिए कि जो अब अगले 1 साल का जो हमारा बजट है, मतलब कि अगर आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 यानी कि ये जो 12 महीने होंगे भविष्य में, इसमें भारत का टारगेट है कि इसको हम $25 बिलियन तक पहुंचा दें, जो अभी $15 बिलियन है। अब दोस्तों नेपाल जैसे देशों को तो इससे ये चुभन शुरू हो गई है कि उनकी जीडीपी ही $30-40 बिलियन की है और भारत अकेला करीब $25 बिलियन के तो सिर्फ स्मार्टफोन बेच लेगा। ये देश नेपाल जो है, ये इंडिया का पड़ोसी है, लेकिन ये फिर भी इंडिया से जलता है। पहले हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे नेपाल के साथ, लेकिन अभी नेपाल के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान की तो आदत ही है हमसे बिल्कुल एंटी रहना। अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो उसे बहुत खुशी होती है, वो कहाँ पर है उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत नीचे आ जाए इससे उसको फ़र्क पड़ता है, इसलिए उसके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है। असली तो प्रॉब्लम दोस्तों चाइना को है, क्योंकि हमने जो भी ये मुकाम हासिल किया है, हम जितना भी आगे जा रहे हैं, इसमें दोस्तों उन कंपनियों का ही मेन हाथ है जो एक टाइम पर चाइना में ही हुआ करती थी, लेकिन अब उनका बिज़नेस इंडिया की तरफ आया है। अब इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और असेंबली भी हो रही है और इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकन कंपनी गूगल है, ये अपना एक प्लांट लगाने वाली है इंडिया में, साउथ इंडिया में। ये समझ लीजिए कि वो जब अपना प्लांट लगाएगी पिक्सल मोबाइल का, तो दोस्तों और भी ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने के साथ स्मार्टफोन और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में भी बिकेंगे और एक्सपोर्ट भी होंगे। तो ये जो हमारा $25 बिलियन का जो टारगेट है, कहीं ना कहीं ये उन सब चीज़ों से अचीव हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों दक्षिण कोरिया की कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि एक फेमस कंपनी है सैमसंग, इसका भी इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाने का निर्णय लिया है, बिज़नेस को और बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंडिया से, इंडिया की जो पावरफुल मार्केट है, इसका तो हम पूरी तरीके से उपयोग करें ही करें, साथ में इंडिया से ही हम एक्सपोर्ट भी करें, जो अभी हो भी रहा है, लेकिन उसको ये और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बल देना चाहते हैं। ये दोस्तों पूरी तरीके से भारत की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। अब ये सोच लीजिए, भारत ने जब इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए तो इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ? पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये हुआ कि भारत के पास फॉरेन करेंसी आई, हमने एक्सपोर्ट किए थे। दूसरा, ये जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसको बनाने का काम यहाँ के लोगों ने ही किया है, भारत के लोगों ने ही किया है,
अभी सोचिए दोस्तों, ये जो भारत के लोग कर रहे हैं तो इससे उनको रोज़गार मिल रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, रोज़गार मिल रहा है, इससे हमारी जो भी लोग हैं उनको परचेजिंग पावर उनकी बढ़ी है, मतलब खर्च करने के लिए उनके हाथ में पैसे आए, यही पैसे मार्केट में घूम रहे हैं। अब ये जब मार्केट में घूम रहे हैं इससे मतलब कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पूरा, जो पहिया बोलते हैं अर्थव्यवस्था को, वो घूम रहा है दोस्तों। एक जगह से दूसरे लोगों के पास पैसे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे के पास पैसे जा रहे हैं, इससे क्या है कि कहीं हमारी रोज़गार हम दूसरे को दे रहे हैं और बेरोज़गारी को कम कर रहे हैं। एक के पास से पैसा निकला, दूसरे के पास गया, दूसरे के पास से निकला, तीसरे के पास गया, इससे लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, इंडिया के अंदर डिमांड भी बनी हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इसलिए दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई और भी जो खबर आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।